स्किन की हेल्थ, आपकी हेयर्स की हेल्थ इंप्रूव होती है, बॉडी का जो सारा टॉक्सिन्स होता है वो अच्छे से क्लीन होता है। हम सारे जो है वो रात को फोन चलाते हैं, अगर आपको जो है वो अट्रैक्टिव और थोड़ा सा हैंडसम लगना है तो। What's up guys, Trendzy here. Okay guys, तो सब चाहते हैं कि वो अट्रैक्टिव दिखें, हैंडसम दिखें, सब चाहते हैं कि लोग उनको कॉम्प्लीमेंट करें उनकी लुक्स के लिए, उनके स्टाइल के लिए वगैरह वगैरह। बट गाइस, हैंडसम दिखने का या अट्रैक्टिव दिखने का असली मतलब क्या है? असली मतलब ये है कि आप अपने आसपास एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसी वाइब क्रिएट करें कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। आकर्षित, अब ये कैसे होगा, इसी बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में गाइस। और एंड में आपके लिए जो है वो एक बहुत ही धासु सी प्रो टिप है जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कमाल का वीडियो, लेकिन उससे पहले जल्दी से जाके भाई की वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब जो है वो आप जैसे और भाइयों तक इस वीडियो को तभी पहुंचाएगा, तो लाइक जरूर कर दें। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक जरूर कर दें, ताकि इसी तरीके की और वीडियोज आपसे मिस ना हो। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट टिप इज वर्कआउट। वैसे तो गाइस वर्कआउट करने के 36 फायदे हैं, लेकिन अगर आप जो है वो हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं तो वर्कआउट आपके लिए करना बहुत जरूरी है। इस वर्कआउट करने से आपका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहता है, आप एक्टिव रहते हो, बॉडी शेप आपकी अच्छी लगती है देखने में, आपकी ओवरऑल बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे आपकी स्किन की हेल्थ, आपकी हेयर्स की हेल्थ इंप्रूव होती है। देख रहे हो कितने फायदे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा आपको यार कि आप जिम ही जाओ, मुझे पता है सबके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप अपने घर पर भी वर्कआउट करके गाइस एक अच्छी बॉडी मेंटेन कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं पता कि घर पे वर्कआउट कौन सा लगाएं, तो भाई किस लिए बैठा है यार। गाइस दोनों ही कंडीशन में, चाहे आपको जिम जाना है, चाहे आपको जो है वो घर पे वर्कआउट करना है, वीडियो चैनल के ऊपर है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार जरूर देखें। ऑलराइट गाइस, तो अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लड़कों को किस टाइप की लड़कियां ज्यादा पसंद आती हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ए, जो कि जिम जाती हैं, थोड़ी सी स्लिम ट्रिम होती हैं, फिट होती हैं, या फिर बी, जो थोड़ी सी क्यूट होती हैं और थोड़ी सी जो है वो चबी होती हैं। गाइस नो डिसरिस्पेक्ट, हर लड़की जो है वो अपने आप में सुंदर होती है, चाहे वो कैसी भी हो, बट मुझे जो है वो इन दोनों ऑप्शंस में आपका ओपिनियन चाहिए, तो डालिए अपने कमेंट्स फटाफट। ऑलराइट, टिप नंबर 2 इज बेसिक फेस केयर। गाइस फेस केयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू लुक हैंडसम। और गाइस फेस केयर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी चैनल के ऊपर आएगा, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें। गाइस बेसिक स्किन केयर के लिए मैं आपको 3 चीजें आज बता देता हूं, मेक श्योर कि आप इसको आज से ही फॉलो करना शुरू कर दें। पहली चीज गाइस, आपको मॉर्निंग में उठते ही जो है वो 2 गिलास पानी पीना है। इससे क्या होगा गाइस, जो मॉर्निंग में हम ज्यादा पानी पीते हैं और उसके बाद हल्के होने जाते हैं, तो उसमें जो है वो हमारी बॉडी का जो सारा टॉक्सिन्स होता है वो अच्छे से क्लीन होता है, तो आपके इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स होता है, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करता है गाइस आपकी फेस की स्किन के ऊपर, शायद आपको बात पता ना हो, तो वो जो है वो अच्छे से क्लीन होगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी उससे अच्छी रहेगी। सेकंड थिंग इज वॉश योर फेस ट्वाइस अ डे। गाइस हम सब जो है वो मॉर्निंग में तो फेस वॉश करते ही हैं, कहीं जाना होता है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो मॉर्निंग में तो फेस वॉश होता ही है, लेकिन गाइस नाइट का फेस वॉश जो है वो बहुत लोग आज भी जो है वो स्किप करते हैं, नहीं करते हैं, जो कि मॉर्निंग वाले से भी ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली गाइस आप सारा दिन बाहर रहते हो और जो धूल मिट्टी पोल्यूशन आपके फेस पे लगता है उसको साथ लेके आप जो है वो रात में सोते हो, और यही चीज अगर आप जो है वो एक लंबे समय तक करते रहते हो तो वो आपकी स्किन को खराब करता है, तो रात को सोने से पहले फेस वॉश जरूर करें। थर्ड थिंग इज अप्लाई सनस्क्रीन रेगुलरली। गाइस इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, मैंने अपने चैनल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और वीडियोस में भी मैंने बात की है। और सनस्क्रीन लगाना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर के गर्मियों में बहुत ज्यादा सन जो है वो आपकी स्किन को डैमेज करता है, तो सनस्क्रीन लगाना शुरू करो अगर आप अभी तक नहीं लगाते हो तो। जो मैं यूज करता हूं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। थर्ड टिप इज स्लीप। गाइस कोई झूठ नहीं बोलेगा, हम सारे जो है वो रात को फोन चलाते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं और फोन चलाते रहते हैं, और इतना ज्यादा फोन हो गया है आजकल, सारी चीजें तो फोन पे ही आ गई हैं, तो बेसिक नीड है ना नींद की, जो 6 से 7 घंटे की बेसिक नीड होती है ह्यूमन बॉडी की, वो भी आजकल पूरी नहीं होती, एंड इट्स डायरेक्टली इफेक्ट ऑन योर स्किन। उसके अलावा आप जगह जगह जाओगे करते रहोगे, लो एनर्जी, डार्क सर्कल्स, मतलब एक अनअट्रैक्टिव मैन में जितनी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो ना वो सब। गाइस आई कैन अंडरस्टैंड कि सब चीजें आजकल जो है वो फोन पे हो गई हैं, लाइफस्टाइल काफी बिजी हो गया है, लेकिन गाइस स्टिल आपके 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है अगर आपको जो है वो अट्रैक्टिव और थोड़ा सा हैंडसम लगना है तो, मतलब इन सब चीजों से तो जरूरी है यार आपकी नींद, सो जाए करो टाइम से। फोर्थ टिप इज हेयर स्टाइल। और गाइज इसके ऊपर जो है वो डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, शायद अगले हफ्ते या फिर उससे अगले हफ्ते, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आई थी इसके लिए। गाइज हेयर स्टाइल के मामले में जो सबसे पहली चीज आपने ध्यान में रखना है वो है आपकी फेस की शेप। यहाँ पे मैं आपको कुछ फेस शेप दिखा रहा हूँ, सबसे पहले आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम पे जाइए और फ्रंट कैमरा ऑन करके अपनी जो है वो इस तरीके से एक फोटो लीजिए, उसके बाद जो है वो उसके एक आउटलाइन बनाइए इस तरीके से। अब गाइज आपको क्या करना है, आपको जो है वो आपकी फेस की शेप मिल गई है, जैसे यहाँ पे मेरी फेस की जो शेप निकल के आ रही है वो आ रही है रेक्टेंगुलर या फिर जो है वो ओब्लोंग। तो गाइज अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं सीधा गूगल पे जाऊंगा कि बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर ओब्लोंग फेस शेप, एंड गाइज मुझे जो है वो काफी सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे और मैं अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो एक अच्छा हेयर स्टाइल
चुन लूंगा। ये था एक बेसिक सा फंडा कैसे आप अपने लिए जो है परफेक्ट हेयर स्टाइल पा सकते हैं। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आ जाएगा जल्दी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑलराइट, फिफ्थ टिप इज बियर्ड। ओके, तो इसको लेके भी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम आते हैं। मैं कुछ होगा तो मेरे पास पड़ा होगा, मैं दिखा भी दूंगा आपको यहाँ पे कि भाई बियर्ड नहीं आ रही, क्या करूं मैं। और ताज्जुब की बात पता क्या है कि कुछ लड़के ऐसे जिनकी उम्र अभी 15, 16, 17, उनके मुझे मैसेज आए कि भाई मेरी बियर्ड नहीं आ रही, भर भर के बियर्ड नहीं आ रही। मतलब इतनी जल्दी है लोगों को। मेरी एडवाइस आपको यहाँ पे यही है कि अगर आपकी जो है वो प्रॉपर बियर्ड आती है तो रखो, अदरवाइज क्लीन शेव कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई, यार मेरे को जो है वो फ्रेंच बियर्ड जो है वो जैसे मैंने अभी रखी हुई है, काफी टाइम से मैंने यही रखी हुई है, ये मुझे प्रॉपर आती है तो भाई मैं इसको रखता हूँ। अगर भाई मुझे ये भी ढंग से ना आती, फॉर एग्जाम्पल मुझे मूछे ढंग से नहीं आ रही या फिर मुझे यहाँ यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, तो भाई मैं इसको भी ना रखता, मैं ये भी मैं पूरा ही क्लीन शेव रखता। क्योंकि भाई वो जबरदस्ती आप जो है पैची 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 बियर्ड रखते हो ना, वो अट्रैक्टिव दिखाना और हैंडसम दिखाना तो दूर की बात है, दिखाती है आपको। इन द एंड गाइज, ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी अट्रैक्टिव है, और जो ये है बिग नो। तो जब बात कर लेते हैं ट्रेंडी की प्रोटिप के बारे में, जो कि है स्माइल। यहाँ पे गाइस भाइयों भाइयों वाली एडवाइस है, आजकल जो है वो सबकी जिंदगी जो है वो उथल पुथल सी है, चाहे किसी की जॉब है, चाहे किसी का बिजनेस है, चाहे किसी के पास ज्यादा पैसा है, चाहे किसी के पास कम पैसा है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, सबकी गाइस आजकल जिंदगी जो है वो इसी तरीके से ऊपर नीचे ही है। और गाइस इस तरीके के एनवायरमेंट में लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं लोगों से जिनकी वाइब जो है वो थोड़ी सी हैप्पी है, थोड़ी सी पॉजिटिव है, थोड़ी सी चिल वाइब है। गाइस इसके लिए कुछ पे भी नहीं करना पड़ेगा आपको, फोकट का है, तो स्माइल रखा करो फेस पे। अभी भी स्माइल कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो भाई की वीडियो को लाइक कर देना। ऑलराइट गाइस, तो ये थे मेरी तरफ से 5 टिप्स टू लुक मोर हैंडसम एंड अट्रैक्टिव। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर करें, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। और गाइस अगर आपका कोई सवाल सुझाव है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। और अगर मुझसे पर्सनली आप कुछ पूछना बताना चाहते हो तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस, यू कैन डू एनीथिंग।